सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, मराठी फिल्में जिन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बेहतरीन फिल्में हमें मराठी फिल्में मराठी इंडस्ट्री के द्वारा इस समय देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले शेर शिवराज नाम की आपने फिल्म देखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार फिल्म थी। उसी तर्ज पर एक और हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के ही जीवन काल से एक और महान शूरवीर की गाथा में कुछ दिन में देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में। इस फिल्म का नाम है सर सेनापति हम्बीर राव। तो इसका एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया है, तो चलिए देखते हैं कैसा है ट्रेलर, फिर मैं आपको बताता हूँ फिल्म के बारे में। तो चलिए करते हैं ट्रेलर को स्टार्ट। ये है पूरा मराठा साम्राज्य और ये रायगढ़। काफी अच्छे लग रहे हैं। अब हिंदुस्तान हमारा है, तो अचानक ये हम्बीर राव नाम की आंधी कहां से? ये आंधी है या कोई हल्की हवा? सह्याद्रीचा कडा श्वास रोखुनी खडा। परिस्थिती जेवढी बिकट, मराठा तेवढाच तिखट। शिवाजी महाराजांसारखा राजा कधीच कोणा एकाचा नसतो, तो एकाच वेळी समद्या रयतेचा असतो। पण त्याआधी स्वराज्यात ही संभाजी नावाची मोहीम जी उभी राहिली आहे, त्याचं काय? संभाजीला समजून घेण्याकरता तुम्हाला तुमचं काळी शिवाजीचं करावं लागेल, कारण संभाजी पुन्हा एकदाच मराठी फिल्मों में एक खासियत आपको जरूर देखने को मिलेगी। भगवा को किसी भी कथा में भगवा को प्रमोट जरूर किया जाता है। औरंगजेबाला पुन्हा दिल्लीला नाही जाऊ, हमारे इथेच कुठेतरी सह्याद्रीच्या कुशीत झोपून त्याला खड्ड्यापर्यंत आणायची जबाबदारी माझी। तुमच्यासारखा मामा प्रत्येकाला मिळो। अरे युद्धात कधी एखादा दागिना नाही, फक्त तो दागिना असा छातीऊ पाहिजे, कुठतरी पाठ ठेवू नये। एक असलो तरी लाखाची ताकद ठेवतो, छातीची चाळण करेल पण पाठीची गाळण नाही उदाणार। एवढी अवघड मोहीम आखलीत खरी, पण खास खळग्यांची जाणीव असेल। सरजा खान एक ऐसी ताकद है जो हमेशा आखरी वक्त काम आती। त्या सरजा खानाकडे काय मन आग ओकणाऱ्या तोफ आहे, कारण मराठ्यांकडे आग रोखणाऱ्या नजर आहेत। अभ्यंग का ऐलान करतो, मराठों ने जिंदगी भी कभी देखी नहीं होगी। जय भवानी। आज अपला भगवा मातीत नाही, गनिमाच्या छातीत रोवायचं। पूरा का पूरा ट्रेलर एकदम एक्शन से और कहानी बिल्कुल शानदार दिख रही है। पूरा का पूरा ट्रेलर का में प्लॉट काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें, जिसमें हमें मराठा सूरवीरों की गाथाएं देखने को मिलेंगी। देखते हैं फिल्म कैसी होती है, मगर ट्रेलर काफ़ी शानदार और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म भी काफ़ी शानदार होगी। तो इसे ज़रूर देखिएगा और ट्रेलर देख के ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भवानी।